जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि संघर्ष का फल मीठा होता है। आज कुछ ऐसे ही हमारे सामने उभर के आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे एक छोटा सा गांव में रहकर एक नॉर्मल फैमिली से गुजरने के बावजूद भी आज अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से जिला स्तर पर अपने नाम को परचम लहराया है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे दरभंगा जिले के दूसरे स्थान साइंस स्ट्रीम के टॉपर रहने वाले, हम बात कर रहे हैं आलोक कुमार के बारे में। आपको हम बताना चाहेंगे दरभंगा जिले में स्थित एक छोटे से गांव हिरनी से बिलोंग करने वाले एक परीक्षार्थी आज अपने नाम को जिले स्तर पर लहराया है। आपको हम बता दें, ये परीक्षार्थी 463 अंक हासिल करके अपने गांव व माता पिता के साथ अपने गुरुजन का भी नाम आज उच्च स्तर तक पहुंचाया है। आपको हम बताना चाहेंगे, ये परीक्षार्थी बिरोल के एक कोचिंग संस्थान जिसका नाम है मॉडर्न साइंस सर्कल में पढ़ाई करके आज अपने नाम को 463 अंक के साथ जिले स्तर पर अपने परचम को लहराए हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले आप टॉपर की वाणी सुनिए, वो आज इस स्तर पे पहुंचे, उसका क्या कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं। मैं आलोक कुमार दरभंगा जिले के हिरनी ग्राम का वासी हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिरोल स्थित अचीवर साइंस क्लासेज और मॉडल साइंस सर्कल में रह के की है। मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने अभिभावक के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक, फिजिक्स एस नायक सर, केमिस्ट्री एस प्रधान सर, बायोलॉजी आर्यू सर और मैथ संजीत सर को देना चाहता हूँ। और मैं पुनः आप लोगों को सूचित कर दूँ, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिरोल स्थित अचीवर साइंस क्लासेज और मॉडल साइंस सर्कल में ही रह के की है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें, ये परीक्षार्थी दरभंगा जिले के बिरोल में स्थित मॉडर्न साइंस सर्कल और अचीवर साइंस क्लासेस में अपनी पढ़ाई करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपके भी कोई भाई या बहन हमारे इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको आप ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि आज ही वो ज्वाइन करें मॉडर्न साइंस सर्कल। आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर परीक्षार्थी को इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि वो परीक्षार्थी अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ आगे कर सके। तो आज ही दोस्तों, अगर आपकी भी कोई भाई या बहन है तो उसे सुजेस्ट कीजिए कि मॉडर्न साइंस सर्कल आज ही ज्वाइन करे, जो दरभंगा जिले के बिरोल में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।